दोस्तों, आधुनिकता की दौड़ में हम निरंतर एक दूसरे को देखकर होड़ में भी आगे बढ़ रहे हैं, साथ में हर एक को आगे बढ़ने की तमन्ना है। ग्रामीण परिवेश खत्म होते जा रहे हैं, शहरीकरण होता जा रहा है, व्यक्ति एक दूसरे से कटने लगा है। हर एक को जीवन में लग्जरी चाहिए और समय से पहले चाहिए। तो इस चक्कर में क्या होता है दोस्तों कि आपका चंद्रमा, आपका मन डिप्रेस हो जाता है। अधिक की चाह में आप इधर उधर भटकने लगते हैं। इस भटकाव के चक्कर में सबसे ज्यादा आपका जो मानसिक तनाव जो आपको परेशान करता है, उसकी वजह से आपका सारा जीवन डिस्टर्ब हो जाता है। अब इस पर भी अगर आपकी 6, 8, 12 की दशाएं आ जाती हैं तो आप और अधिक परेशान हो जाते हैं। फिर आपको घर में भी कलेश होता है, बच्चों का भी आपको कलेश मिलता रहता है, या शादी विवाह नहीं हो पाते हैं आपके, या माता पिता से आपकी अच्छी नहीं बन रही होती, या सोचे समय कार्य नहीं होते, जॉब बिजनेस में भी वो सफलता नहीं मिलती है। तो आज का जो विशेष वीडियो है कि आप अपने चंद्रमा को बिना किसी पूजा पाठ के, बिना कुछ किए, कैसे आप इसको मजबूत कर सकते हैं मात्र एक स्त्रोत सुनकर। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर पूरा देखिएगा। इसके साथ ही अमृत की बूंद और जादुई अक्षर दूंगी, राहु काल और जीत मुहूर्त का समय बताऊंगी, लकी अंक देने वाली हूँ। दोस्तों, मैं आपकी आशुतोष अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ। ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। इसीलिए दोस्तों, मैं आपको नियमित अमृत की बूंद और जादुई अक्षर देती हूँ। आपको अपनी राशि नहीं पता है, लग्न नहीं पता है, भाषा आप किसी भी देश में रहते हो, किसी भी भाषा से बिलोंग करते हो, किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, पूजा पाठ नहीं करते हैं, बहुत अधिक मानसिक तनाव झेल रहे हैं, या पूजा पाठ कर रहे हैं उसके बावजूद भी आपको अपना पूजा पाठ का कोई फल नहीं मिल रहा है, मानसिक तनाव बहुत अधिक हो रहा है, तो मेरे नियमित क्या आप अमृत की बूंद जादुई अक्षर करके देखिए दोस्तों। आपको एक हफ्ते के अंदर ही इनका रिजल्ट दिखने लगेगा। मन में आपके शांति का अनुभव होने लगेगा, मन शांत रहने लगेगा, मानसिक तनाव दूर होगा, ऑरा क्लीन होगी, इम्यूनिटी बूस्ट होगी। आप स्वयं करेंगे, परिवार के सभी सदस्यों को कराएंगे तो घर में शांति का वातावरण बनने लगेगा, बच्चे भी आपका कहना मानने लगेंगे, सामंजस्य बढ़ने लगेगा, बीमारियों में भी आपको निजात मिलने लगेगी। सो दोस्तों, वीडियोस देखते रहिए। आपने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल बटन को ऑल पर कर लीजिए, जिससे मेरे प्रतिदिन के वीडियो समय से आपको मिलते रहे। दोस्तों, चंद्रमा जो हमारे मन और काल पुरुष कुंडली में धन का भी कारक है, चतुर्थ भाव का कारक भी चंद्रमा होता है। चंद्रमा हर 2.5 दिन में राशि परिवर्तन करता है, हर 2.5 दिन के बाद वो दूसरी राशि में प्रवेश कर जाता है। तो ये 12 राशियों में भ्रमण करते करते चंद्रमा इस तरह से 15 दिन के अंदर ये चंद्रमा भ्रमण करता हुआ हर राशियों में 1 महीने में अपना पूरा 28 दिन में 12 राशियों में भ्रमण करता हुआ पहुंचता है। जिस दिन चंद्रमा आपके सप्तम भाव से, आपके तृतीय भाव से, आपके लाभ भाव से आपका संबंध बनाता है, उस दिन आप बहुत अच्छे रहते हैं। और जिस दिन आपसे 6, 8, 12 भाव से संबंध बनाता है, आप मानसिक तनाव में आ जाते हैं, या आपका जन्म अमावस्या का है तो आप बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, या चंद्रमा आपका कैंदम योग में है यानी उसके आगे भी कोई ग्रह नहीं है, पीछे भी कोई ग्रह नहीं है, तब भी आप परेशान रहते हैं, या आपके चंद्रमा पे मंगल की या शनि की दृष्टि है तब भी आप, या राहु की दृष्टि है तब भी बहुत अधिक आप परेशान रहते हैं, या केतु की दृष्टि है तब भी आप अनजाने भय से घबराते रहते हैं। तो अगर मान लीजिए आप कोई पूजा पाठ नहीं करते हैं, आपका मन किसी काम में लगता ही नहीं है, जॉब बिजनेस में भी आपका मन नहीं लगता है, आपके अंदर ऐसा लगता है कि कोई ऊर्जा है ही नहीं, आप निढाल रहते हैं, आपके शरीर में कोई ताकत नहीं है, अब क्या करें? क्योंकि ये अधिकांशतः इस तरह के मुझे क्वेश्चन मिलते रहते हैं, कुंडलियां देखने आती हैं उसमें भी ये योग दिखाई देते हैं, पूजा पाठ भी नहीं करते हैं तब क्या करें? ऐसे में आपको शिव तांडव स्त्रोत, ये रावण रचित शिव तांडव स्त्रोत है। शिव जब भोलेनाथ ने, जब रावण को अहंकार हो गया था कि उसने सोचा कि भोलेनाथ को, अगर भोलेनाथ ऐसे जाने को तैयार नहीं है तो वो कैलाश पर्वत को ही ले जाता है लंका में, जैसे कि भोलेनाथ उसके साथ रहे हैं, लेकिन जैसे ही रावण ने पर्वत को उठाया, भोलेनाथ ने अपना पैर रख दिया और वो उसके नीचे उसका हाथ दब गया, और तब 6 महीने तक दबा रहा उसने, तब ये शिव तांडव स्त्रोत का उसने निर्माण किया। इस भक्ति से, इस पाठ से भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर वरदान दिया कि इस पाठ को जो भी नित्य सुनेगा उसके सारे कष्ट हर लेंगे, चाहे वो धन से संबंधित हो, चाहे मन से संबंधित हो, चाहे स्वास्थ्य से संबंधित हो, चाहे आपके बच्चे नहीं आपका कहना मानते हो, या बच्चों के जीवन में भी किसी तरह का, या आपके राहु केतु की महादशा चल रही है, शनि की महादशा चल रही है, कोई भी विपरीत दशाएं चल रही है, उस स्थिति में ये आपको ये शिव तांडव स्त्रोत आपको हर तरह से आपको विष मुक्त करेगा। तो आपको जीवन में कैसा भी आपके समस्याएं चल रही हो, कुछ भी आपको समस्या,
बस आपको करना क्या है, सुबह उठकर नहा धोकर, आप नहा धोकर सकते हैं तो नहा धो लीजिए, नहीं भी कर सकते तो कोई बात नहीं है, एक किसी पात्र में, चाहे वो चांदी का हो, पीतल का हो या कांच का हो, जल भर दीजिए, ज्यादा से जल भर के रखिए, एक चांदी का चकोर टुकड़ा डालिए, इसको जाली से ढकिए, प्लेट से बिल्कुल कवर अप नहीं करनी है, जाली से ढकिए और वहीं पर अपने मोबाइल पर शिव तांडव स्त्रोत चलाकर रख दीजिए और इसे पूरा चलने दीजिए और इस पानी को एनर्जाइज होने दीजिए इस पानी से। इसके बाद फिर आप एक महामृत्युंजय मंत्र की माला भी चला दीजिए, इस मंत्र से एनर्जाइज हो जाएगा पानी, आप इस पानी का पूरे घर के लोग पीने में सेवन करेंगे। तो क्या करेंगे, जो आपके घर में पानी की बोतलें भरी जाती हैं, जो फ्रिज में रखी जाती हैं, उन सभी बोतलों में इस पानी को आप पलट दीजिए। आप ज्यादा भी बना सकते हैं, जितनी आपका सामर्थ्य उतना पानी तैयार कर लीजिए और इस पानी को पीना शुरू कर दीजिए और नियमित इस पाठ को सुनने दीजिए। बीच के घर में जो बीचों बीच का हिस्सा है वहां पर इसको आपको रखना है किसी टेबल पर। चमत्कारिक रूप से आपको ये हफ्ते 15 दिन के अंदर ही आपको महसूस होगा, मन खिला खिला रहने लगा है, आप खुश रहने लगे हैं, आपके सोचे अटके काम बनने लगे हैं, आपके परिवार में जो सारे लोग हैं वो खुश रहने लगे हैं, एक दूसरे से बातचीत करने लगे हैं, धन से संबंधित आपकी सारी समस्याएं हल हो गई हैं, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहने लगा। कहने का तात्पर्य इतने ज्यादा इसके बेनिफिट हैं कि ये मैं गिना नहीं सकती आपको, इतने अधिक बेनिफिट हैं। सो दोस्तों, आपको नहीं पता है कि आपकी कुंडली में कैसी ग्रह दशाएं चल रही हैं, बस आप इसको सुनना शुरू कर दीजिए, सोमवार से शुरू कर दीजिए। वैसे तो भोलेनाथ की आराधना आप किसी भी दिन से कीजिए, विशेष रूप से सोमवार से आप शुरू कर देते हैं तो देखिए सोमवार भोलेनाथ का ही दिन है, चंद्रमा को भोलेनाथ ने अपने मस्तक पर धारण किया हुआ है, तो जब वो चंद्रमा की जैसे कि चंद्रमा की पीड़ा को हर सकते हैं तो इंसान तो उनके कहना ही क्या है। तो आप भोलेनाथ की शरण में चले जाइए, ना भी आप कोई पूजा पाठ कर पाते हो, मात्र इस विधि से आप इसको सुनने के बाद इस जल को ग्रहण करते जाएंगे, जीवन में तरक्की दिनों दिन, आपके दिन बदलते देर नहीं लगेगी। अब अमृत की बूंद और जादुई अक्षर दोस्तों, ये आप 10 वर्ष के बच्चे से लेकर 90 वर्ष तक का बुजुर्ग कोई भी करके शुभता प्राप्त कर सकता है। 27 जून 2022 दिन सोमवार, आज का राहु काल है सुबह 7:10 से 8:50 तक। इससे मैं आपको कोई भी शुभ कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:55 से 12:51 तक। इससे मैं आपको कोई भी शुभ कार्यक्रम कर सकती हैं। आज की अमृत की बूंद में दोस्तों आपको थोड़े से दूध में एक चुटकी हल्दी पाउडर डालिए और इसको ईष्ट को अर्पित करके आप स्वयं ग्रहण कीजिए तो आज आपका दिन लकी होगा, बेहतर होगा, धन संबंधित आपके सारे का सफल होंगे। आज का जादुई अक्षर है ना नयन वाला ना, इस ना शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए, 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए, दूसरे दिन अपना ये धुल जाएगा। मैं आपको नया शब्द देती हूँ, आप इसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफेद कागज की चेक लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए, 24 घंटे तक साथ रखिए, दूसरे दिन फाड़कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसे नाली में ना बहाएं। आप जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। वो बच्चे महिला पुरुष जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी, किसी भी वर्ष में आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी, वो प्रयोग करेंगे व्हाइट कलर के पेपर पर हल्दी से 3 नंबर लिखेंगे, फोल्ड करके अपने पास रखेंगे तो ये अंक आपको वर्ष भर सुखता प्रदान करता रहेगा। अन्य कोई व्यक्ति 24 घंटे तक लिखकर इसको अपने पास रख सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कमेंट में जय माता दी राधे राधे अवश्य लिखिए। वीडियो मेरे अपने उपाय कर रहे हैं उनसे क्या लाभ मिल रहा है वो भी आपको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, जिससे और भी लोग इन्हें कमेंट को पढ़ के इन प्रयोगों को करें और अपने जीवन में शुभता प्राप्त कर सकें। इसके अलावा दोस्तों कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पे साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है 8077506510। इस नंबर पर कॉल या मैसेज के द्वारा आप प्रोसीजर जान सकते हैं कुंडली विश्लेषण। इस संडे जो मैं नेक्स्ट संडे आपको कमेंट सेक्शन लूंगी तो आप चाहते हैं कि आपका क्वेश्चन वहां सेलेक्ट हो तो अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना टाइम, अपना बर्थ प्लेस, एक क्वेश्चन आप उसे सेंड करते रहिए। रैंडमली सेलेक्ट होने पर आपको आपके क्वेश्चन का आंसर वहां जरूर मिलेगा। सो दोस्तों प्लीज वीडियोस देखते रहिए, इन्हें अजमाइए, इन्हें कीजिए, शुभता आपको जरूर मिलेगी। पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ में आप करते जाते हैं, दिन आपके बदलना शुरू हो जाते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मैं कल फिर मिलूंगी अपनी अमृत की बूंद और जादुई अक्षर के साथ, ऐसे ही किसी अन्य महत्वपूर्ण विषय के साथ।